हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल गया। सो आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। सो अगर आप आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय चेक करना चाहते हो या फिर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पैसा चेक करना चाहते हो या फिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पैसा चेक करना चाहते हो या फिर किसी भी अन्य योजनाओं से आया हुआ डीबीटी के माध्यम से जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, उन पैसों को आप अगर चेक करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक आसान तरीका बताऊँगा जिससे कि आप अपना पैसा घर बैठे आसानी से चेक कर पाएंगे। जो कि आपको एक नया पोर्टल के बारे में बताऊंगा जहां से आप सिर्फ अपना अकाउंट नंबर डाल के अपना पैसा आसानी से चेक कर पाएंगे। जैसे कि आप सभी को पहले से पता होगा कि पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी का पैसा चेक किया जाता है। जैसे कि आप लोग वहां से पैसा चेक कर रहे हैं, वहां पे एक प्रॉब्लम शो हो रहा है, जैसे कि ओटीपी का प्रॉब्लम सभी लोगों को फेस करना पड़ रहा है, यानी कि वहां से पैसा अभी चेक नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में नया पोर्टल के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप अपना पैसा आसानी से चेक कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। तो चलिए चलते हैं उस पोर्टल पर। तो मैं आपको पहले वाला पोर्टल पर भी पैसा चेक करके दिखाऊंगा कि वहां से पैसा क्यों चेक नहीं हो रहा है, और एक जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है मैं उस पोर्टल पर भी आपको चल के दिखाऊंगा कि वहां से पैसा आप किस प्रकार से इजीली चेक कर पाएंगे। सो डीबीटी के माध्यम से जो भी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स में लिख देना है पीएफएमएस, यानी कि पीएफएमएस लिखने के बाद यहाँ पे आपको नो योर पेमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नो योर पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा जो कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का यह ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको अपना बैंक नेम और अकाउंट नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालना है, और वहाँ से आपको सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से मैं आपको फटाफट से चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ से आपका पैसा चेक हो रहा है या नहीं। उसके बाद आपको मैं नया वाला पोर्टल बताऊँगा जहाँ से आप इजीली पैसा चेक कर पाएंगे। तो यहाँ बैंक वाले ऑप्शन में आपको अपना बैंक का नाम लिख देना है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर मैं पैसा चेक कर रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखने के बाद ऊपर में ही बैंक का नाम शो हो जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, फिर यहाँ पे नीचे दोबारा वही अकाउंट नंबर डालना है। वो डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पर रिफ्रेश वाले पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से दोबारा कैप्चा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर और कैप्चा कोड डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विथ द अकाउंट नंबर। कहने का मतलब है कि आपका अकाउंट नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है तभी आपका पैसा चेक हो पाएगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि मेरा मोबाइल नंबर इस अकाउंट नंबर के साथ लिंक है, फिर भी यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आपका पैसा यहां से चेक नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रहा है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर लिंक होने के बाद भी यहां से पैसा चेक नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मैं आपको एक नया पोर्टल जो है वहां से आपको पैसा चेक करके दिखाता हूं। तो चलिए अब मैं उस नए वाले पोर्टल के बारे में बताता हूँ। तो आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है उमंग। उमंग ऐप जैसे ही लिख के सर्च करेंगे यहाँ पे उमंग का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, तो आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे
रजिस्टर हो जाना है। तो जैसे ही आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है इस पर आपको क्लिक कर देना है और रजिस्टर वाले पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। तो मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पैसा चेक करने के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है PFMS। तो सर्च बार में हम लिखते हैं PFMS। PFMS जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है नो योर पेमेंट्स। तो इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकेंड का वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका नया वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक नेम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टेट बैंक का वहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही चेक करने वाला हूँ। यहाँ पे आप किसी भी मोबाइल नंबर को डाल के सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ और मैं आपको इसी के माध्यम से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय किस प्रकार से चेक करना है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे अकाउंट जिसके नाम से रहेगा वहाँ पे आपका नाम शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे DBT एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो पैसा इनका आ रहा है वो DBT एजुकेशन के माध्यम से इनको पैसा आ रहा है। तो देखिए जब जब भी इनको पैसा आया हुआ है उसका पैसा यहाँ पर देख पाएंगे। 14 अगस्त को इनका पैसा आया हुआ है, 3 अगस्त को यहाँ से इनका पैसा हुआ आया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप सारी जानकारी देख पाएंगे कि किस माध्यम से पैसा आया हुआ है। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पर्पस इसका क्या है कि किस के लिए पैसा यहाँ पे भेजा गया है। तो ये मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना का पैसा यहाँ पर आया हुआ है, जो कि अमाउंट है 600 रुपये। तो जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको पोशाक के लिए जो राशि दी जाती है 600 रुपये, वो इनको यहाँ पर मिल चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपना भी पैसा चेक कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप सभी को यहाँ पे एक सेविका का अकाउंट नंबर, बैंक नेम और मोबाइल नंबर डालने के बाद उनका पैसा चेक करके बताऊंगा कि उनका पैसा कब अकाउंट में आया है और किस पर्पस से उनको अकाउंट में पैसा भेजा गया है। तो इसकी स्टेटस आप यहीं से चेक कर पाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनके अकाउंट में कब कब पैसा भेजा गया है, इस पर आप लोग क्लिक करके देख पाएंगे कि इनके अकाउंट में कब पैसा भेजा गया है, किस पर्पस से इनको ये पैसा भेजा गया है। होनोरेरियम पेमेंट ऑफ होनोरेरियम टू आंगनवाड़ी वर्कर्स, यानी कि इनका मानदेय का पैसा इस तारीख को कितना आया हुआ है, यहाँ से आप जाके इजीली चेक कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी अच्छा लगा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा लें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।